नवरात्रों के पावन अवसर पर नवरात्र के आठवें दिन अधिष्ठात्री देवी महागौरी की पूजा और नवें दिन नवम सिद्धि दत्री देवी भगवती के नौवें स्वरूप माता सिद्धि दत्री देवी की एक साथ पूजा से समापन होगा। माता की नौ रूपों में रामनवमी के अवसर पर सोलन की शुलूनी मंदिर में आज प्रातः से ही माँ के चरणों में अपना शीश नवाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन भी किया गया। लोगों ने माता के दर्शन कर कन्या पूजन किया। माँ को लाल चुनरी में प्रसाद भेंट किया गया। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। लोगों द्वारा सुबह से ही छोटी छोटी कन्याओं की तलाश में इधर उधर घूमते देखा गया। कुछ लोगों को घरों के आसपास कंचके ना मिलने के चलते मंदिर परिसर में ही उन्होंने कंचकों की पूजा की। आज लोगों को लड़कियों की अहमियत का भी पता चला कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो कन्या पूजन भी नहीं होगा। आज अष्टमी नवमी का पावन त्यौहार है। इस अवसर पर मैंने अपने घर पे भी कंच का पूजन की है और अब शूलनी माता के दरबार में आई हूँ। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। अब घरों में तो बड़े मुश्किल से मिलती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन माता के मंदिर में यहाँ पर तो कंचकाएँ बहुत मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी कर देते हैं लोग। तो घर पे हम तो घर पे ही करते हैं, पर लोग यहाँ पर भी आगे करते हैं। हम लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं और नवरात्रों में नौ दिन के व्रत होते हैं। इस बार नौ की जगह आठ हुए, आठ नवरात्रे हुए, एक नवरात्रा कम हुआ है। तो वैसे तो मुश्किल ये होती है कि कंचकाएँ मिलती नहीं है, छोटी छोटी कन्याएँ जो है वो मिलती नहीं है। तो वीकेंड होने के कारण इस बार वो मिलने की संभावना ज़्यादा है। बाकी मंदिर में शूलनी माता पे आस्था है, यहाँ पे हम लोग आके जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो है कन्याओं को बांटते हैं और इसके बाद जाके अपने घर में पूजा पाठ करके हवन करके वहाँ पे कंजिकाएँ जमाते हैं। इस तरह से हम अपना जो है नवरात्रे पूर्ण करते हैं। आज के टाइम में कंजक मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब बेटी बचाओ, इसीलिए हम कहते हैं बेटी बचाओ कि ताकि हमारे घर में हम कंजकों को अच्छे से, लड़कों के रिश्ते अच्छे से उनको मतलब पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से उनकी परवरिश करें। कि हमारा यही मोटिव है कि आज के टाइम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे जा रही हैं। कंजकों वाले दिन हम कहते हैं कि आज के दिन ही नहीं लड़की को मतलब इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, उनको आने वाले टाइम में हर जगह पे ही उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। सोलन से प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट।